कत टंगी जोठि स्वयं भगवान विष्णु नारायण दक्ष प्रजापति की कहते हे दक्ष प्रजापति मुझे हूँ ब्रह्मा मुझे विष्णु मुझे महेश्वर सृष्टि स्थिति पालन रु एकमात्र कारण पुनश्च भगवान कौन दक्ष प्रजापति की कहते आसतु आस्वादन करवा नीले निरंजन सकल भूते मु बसई गोविंद 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 पदुगणु श्रीमकरंद जहाकू जेबा शिक्षा दे प्राणी छाड़े ताहा काही गोविंद 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 पदुगणु श्रीमकरंद ज्ञानी की मोरूप गोचर अज्ञानी जने मुहि दूर गोविंद 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 पदुगणु श्रीमकरंद बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कहते हे दक्ष प्रजापति मुत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान समस्त भितरे आत्मा राम रूप से विराजमान करिछि कीट पाषाण तरुतृणे बसई आत्मार प्रमाणे सकल घटे नर हरि बसई आत्मरूप धरी ईश्वर बसे सर्वदेहे मु सबुटी अछंती ए कथा केवल ज्ञानी माने ही बुझंती अज्ञानी जने मुहि दूर जो माने अज्ञानी से ए तत्व को उपलब्धि करि परंती नाही मात्र मु सबुटी विराजमान करिछि देख ए देह मध्य गते शिर चरण कर जेते याकु भिन्न प्राय मणे आत्मार गति न प्रमाणे जेहरी हर पद्मजोनी सर्वभूतंक आत्मा तीनि बाह्य अंतरे देखे एक जहार निर्मल विवेक जी बाहर आउ भितर से एक प्रभु को दर्शन करे से हर से हरि आ ब्रह्मा के भितर कौन से फरक नाई सबुरी भितर से एक से परमात्मा ही बस लीला करुचंती तेणु अंतरे बाहरे हरि जे करे दर्शन तपस्यारे तार बा किबा प्रयोजन तपस्यारे तार बा किबा प्रयोजन तपस्यारे तार बा किबा प्रयोजन बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मो भितरे जो परमात्मा विराजमान करुचंती बाहरे मध्य से अछंती अंतरे बाहरे हरि जे करई दर्शन तपस्यारे तार बा किबा प्रयोजन भगवान कहुचंती हे दक्ष प्रजापति मो भिन्न नुहे मो से ब्रह्मा भितरे मो शंकर भितरे मो निजे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देख ए देह मध्य गते शिर चरण कर जेते याकु भिन्न प्राय मणे आत्मार गति न प्रमाणे आमे भावुचे एटा हाथ सेटा गोड़ एटा मुंड किंतु सबुरी भितरे आत्मा थिबारु ये चालुचंती जदि आत्मा न थांते ताले ना हाथ काम करिवो ना पद चलिवो ना आखि देखिवो एगुडिक केही काम देबे नाही तेणु जे हरि हर पद्मजनी सर्वभूतंक आत्मा तिनि हरि हर आउ पद्मजनी कहले ब्रह्मा ये तीनटा देखा जाऊ तीन जन देखा जाऊ आत्मा होती एक बाह्य अंतरे देखे एक जहार निर्मल बेक जो माने निर्मल बेकवान से बाहर आउ भर से एक परमात्मा को दर्शन करती तीन को देखे ऐक्य कर सुखे तरई भव बारी दिए तीन जन को एक भाव दर्शन करती से संसार बंधन न पड़ी से माने मुक्त हो जाती दूरे रही दुख भ्रांति से प्राणी लभे आत्मा शांति तार समस्त दुख दैन्यता भ्रांत धारणा सब दूरे जाए परम शांति से कालातिपात करे कहीं से बुझे जही जा देखुची सबू प्रभु तुम सर्जना जही जा देखुची प्रभु सब तुम सर्जना
जही जा देखुछि प्रभु सबु तुम सर्जना, जही जा देखुछि प्रभु सबु तुम सर्जना। काही तुम रूप प्रभु, काही तुम रूप प्रभु, काही तुम रूप प्रभु, काही तुम रूप प्रभु, नयन रे देखे ना। जही जा देखुछि प्रभु सबु तुम सर्जना, जही जा देखुछि प्रभु सबु तुम सर्जना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परम कारुणिक श्री श्री गुरुदेव कहते हे महाप्रभु, मोर चतुर्पार्श्वरे मुँ जहाँ देखुची बन गिरी आकाश सबुटी तो आपण लीला प्रकाश, आपण से नदी अच्छा से जल रे अच्छा से आकाश रे अच्छा से बाऊरे अच्छा से पवन रे अच्छा से बनरे अच्छा से अरण्य अच्छा से फुले अच्छा कोहली कुहकु तान अच्छा हलदी बसंतर से अपूर्व सुंदर शोभार सुंदर रूप से आपण ही अच्छा आपण ना जगत कौटी ना प्रभु सबु ही आपण अच्छा किंतु आपणकर से स्वरूप को मुझे देखी पारे आपण जगन्नाथ रूप से कृष्ण रूप से राम रूप से देखा देते मुझे जाणी था आपण बोली किंतु आपण विभिन्न नमस्ते बहु रूपाय बहु रूप से मो सामने विराजमान करु सबु आपण सबु आपण सबु आपण दूरे रही दुख भ्रांति से प्राणी लभे आत्मा शांति शांति लाभ कर तार समस्त भ्रांत भरण धारणा दूर ही जाए जे भगवान को सर्वत्र दर्शन करे। यही कथाटी अवश्य गीतार भाषा रे बहु जन्म पर हुए गोटे जन्म हेबनी बहुना जन्म नांगंते ज्ञानवान वांग प्रपद्यंते वासुदेव सर्वमीति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म पर ज्ञानी माने जानी पारंती मते सर्व वासुदेव सर्वमिति ही सबुटी से ही वासुदेव विराजमान करिचंती जे देखे से महात्मा सदुर्लभ। ए कथा को आज मैत्र मुनि विदुरजी की कहुचंती हे विदुरजी, भगवान विष्णु नारायण एवली भावरे निजर सर्वव्यापक तत्व को देवता मानक पाखरे दक्ष प्रजापति पाखरे उपस्थापन कले। पुनश्च कौन है मैत्र वाच ए मंत विष्णु मुखु सुनी अमृत प्राय मंजुवाणी गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद हरि की जगे पूजा कला जेणु तार भाग्य थिला गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद ऋषि देवता पूजा करी रुद्रंकु रुद्र भावे बरी गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद यज्ञर शेषे भाग देला से अवभूत स्नान कला गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद। बोली श्रीमद भागवत भगवान की सतरे आज दक्ष प्रजापति की सौभाग्य स्वयं परमात्मा भगवान विष्णु नारायण प्रकट ही दक्ष प्रजापति सहित कथोपकथन होती तेणु मैत्र मुनि कहते भगवान मुखनिश्रुत बाणी की आस्वादन कलापर से जो परम मंजुल बाणी भगवान मुखनिश्रुत बाणी अमृत ही अमृत सतरे मुखर जहाँ झरी आसूची से हूँ पदे पदे के अमृत तो से ही भगवान अमृतवाणी की आस्वादन कलापर दक्ष प्रजापति हृदय
परम शांति लाभ कला हरिंकि यज्ञ पूजा कला जेणु तहार भाग्य थिला ता भाग्य थिबारु सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव महाप्रभु को पूजा करिवार सौभाग्य प्राप्त हैला। ऋषि देवता पूजा करी रुद्र को हृदय रुद्र भाग भरी ऋषि मानकु देवता मानकु जहाँ को यथा यथा मान्य करिया कथा पूजा करिया कथा दक्ष प्रजापति समस्त को पूजा करी यज्ञर शेष भाग देला से अववृत्त स्नान कला जो भगवान शंकर भाग नथिला जहाँपाई एत प्रलय हैला माँ रुद्राणी सती देहत्याग कले एवं भगवान रुद्र को जिते यज्ञर जहाँ तांकर जहाँ भाग्य भाग दबा कथा संपूर्ण भाग को समर्पण कला एवं यज्ञांत स्नान करने को गले किए दक्ष प्रजापति जहाँ को अववृत्त स्नान बोली कहा जाए। दक्ष रहिलानी ज घरे देवे चढ़िले जे झापुरे गोविंद 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 एबे हो सुन कुरुबीर सती जे छाड़िले शरीर गोविंद 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 से पुणी हिमवंत घरे जन्मिले मेनका उदरे गोविंद 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 बोले श्रीमद भागवत भगवान की। आज यज्ञ समापन है भगवान कृपारु भगवान रुद्र शांत हो गले से भाग पाइले देवता माने समस्ते निज निजर भाग को पाइले यज्ञ पार्ला परे समस्ते संतुष्ट ही निजे निज पुर को चली गले। से कथा को कुरुबीर विदुर्जी को मैत्रेय कहुचंती एबे हो सुण कुरुबीर सती जे छाड़िले शरीर समस्ते निज निज घर को चली गले किंतु ता पूर्वर जो घटना घटी जाइथला दुर्घटना में माने समस्त आस्वादन करिचे सती निजे कौन करथिले निजर पतिंकर अपमान को सही न पारी जोगाग्नि रे दक्ष जगरे निज को विसर्जन कर देथिले भस्म हो जाइथिले किंतु देह छाड़ा बेलू तांकर भगवान हरिंकि से गोटी कथा कहिथिले कौन जहाँ गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्रीरामचरित मानस ग्रंथ कलम कर सती मरत हरि सनु बर मागा जनम जनम शिव पद अनुरागा राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सती मरत हरि सनु बर मागा जनम जनम शिव पद अनुरागा राम सिया राम सिया राम जय जय श्यावर रामचंद्र की जय। सती मरत हरि सनुवर मागा जनम जनम शिव पद अनुरागा जेतले सती जोगाग्निरे निजक भस्म करिदेले ता अव्यवहित पूर्वरु भगवान विष्णु नारायण को प्रार्थना करे हे महाप्रभु मते जन्मे जन्मे से शिवंक शिव ही मते स्वामी रूप से प्राप्त हुवंतु मोर आउ केही स्वामी नहंती मु सेई पतिव्रत नारी भगवान शंकर ही प्रति जन्म रे मते स्वामी रूप से प्राप्त हुवंतु। तेणु मैत्र मुनि कहते हे विदुरजी देवता माने तो संतुष्ट ही निज निज पुर को प्रत्यावर्तन कले ब्राह्मण माने तो भगवान शंकर कृपार पुनश्च समस्ते निज निजर शरीर सुस्थ शरीर को प्राप्त हेले भृगुं ठू आरंभ कर जिते दिय देवता माने भृगुं दाढ़ी लगिगला पोषाकर दात लगिगला समस्त जो मानकर हस्त कटि जाता अश्विनी कुमार हस्त से प्राप्त होगा शंकर आशीर्वाद ताहा संभव हो पारा एवं दक्ष प्रजापति यज्ञ जी पूर्ण भाव देह को छाड़ते कौन है सी आठ जन्म ही नहांती सी पी पर्वत राजा हिमालय से घरे सुंदर भाव हिमगिरी बाला जन्म नहीं माँ का ना हो मैना से कथा कहते
ଏବେ ଶୁଣ କୁରୁବୀର ସତୀ ଯେ ଛାଡ଼ିଲେ ଶରୀର ସେ ପୁଣି ହିମବନ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ ମେନକା ଉଦରେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମେନକା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଜେ ହିମାଳୟ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନାଁ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବର ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମୈନକା ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ହିମାଳୟଙ୍କର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ହେଇଛି ସଦାସର୍ବଦା ଚିର ବସନ୍ତ ପ୍ରବାହମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅପରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବା ପାଇଁ ଏକଥା ନା ହେମବନ୍ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମା ମେନକା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ମା ୟାର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ନା ଇଏ ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତାଙ୍କର ବସ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବ କି ବାସ ନଥିବ କୁଳ ନଥିବ କି ଶୀଳ ନଥିବ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଏ ବର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ମା ମେନକା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ଜୋଇଁଟି ଏଭଳି କୁଳଶୀଳହୀନ ଜୁଟିଲା ତା ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କି ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜୀବନରେ ଭଲ କ'ଣ ସେଇଠି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ମା ଏସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସିନା ସାଧାରଣ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଗୁଣ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଗୁଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ନାଗକୁ ସାପକୁ ନାଗ ସାପକୁ ବେକରେ ହାର କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନିତ୍ୟାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଦିଗାମ୍ବରାୟ ତସ୍ମୈ ନକାରାୟ ନମୋ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ ନମୋ ଶିବାୟ ହର ହର ଭୋଲେ ନମୋ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ ନମୋ ଶିବାୟ ହର ହର ଭୋଲେ ନମୋ ଶିବାୟ ନାଗ ସାପକୁ ନିଜ ଗଳାରେ ହାର ଭଳି ପକେଇଛନ୍ତି ଭସ୍ମକୁ ବିଲେପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଗମ୍ବର ତାଙ୍କର ଦିଗଜସ୍ୟ ଅମ୍ବର ସେ ଦେଶ ଦିଗମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାପରେ ମା ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପତ୍ର ଖାଉଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାର୍ବତୀ ହେଇଛି ପର୍ବତ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ମା ପାର୍ବତୀ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପତ୍ର ପାଉଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ସପ୍ତର୍ଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ବର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ଆଜି ମୈତ୍ରମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ରୁଦ୍ରର ଚରିତ ଯେମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମୋ କରନ୍ଦ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖ ମୁହିଁ ଶୁଣି ତୋତେ କହିଲି ପରିମାଣି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମୋ କରନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱରର ଚରିତ ଭକ୍ତ ତାରଣେ ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମୋ କରନ୍ଦ ଜେଣେ ତୁ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ଭାବେ କହିଲି ତୋ ଅଗ୍ରତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମୋ କରନ୍ଦ ସର୍ବସମ୍ପଦ ଏଣେ ଲଭେ ଜୀବନ ପଡ଼େ ପରା ଭବେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମୋ କରନ୍ଦ ଏ ଯଶସ୍କର ଆୟୁଷ୍କର ଅଶେଷ ଜନ ପାପ ହର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମୋ କରନ୍ଦ ଯେ ନିତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଚରିତ କୀର୍ତ୍ତନ କର ଇ ପବିତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମୋ କରନ୍ଦ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ହିତେ ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମୋ କରନ୍ଦ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ ବିଦୁରଜୀ କହିଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ମୈତ୍ରମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ବିଦୁରଜୀ ତୁମକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅମୃତମୟ କଥା ଶ୍ରବଣ କରେଇଲି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସେଇ ଯଜ୍ଞ ବିଧ୍ୱଂସ କିଭଳି ହେଲା ମା ସତୀ କିଭଳି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ସତୀ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ
पुनश्च भगवान शंकर को विवाह करिचंती। श्रद्धा एवं विश्वास भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम जाभ्यं बिना नपश्यंती सिद्ध्य स्वंत स्तमीश्वरम। माँ पार्वती होती श्रद्धा, भगवान शंकर होती विश्वास। जितेबाला श्रद्धा विश्वास दुईज पुनश्च एकत्रित होती भगवान रामकर आविर्भाव हो ब्रह्मंकर आविर्भाव हो तेणु टिके अश्रद्धा आसीजार जमी देखते शंकर भगवान माँ सती की त्याग करदे तेणु यही कथ को जो मैंने श्रवण करती कहले मु तुमको जहाँ कहली एक उद्धव ठारूँ शुणी मैत्र मुनि कहते उद्धव भगवान एक शुणी तेणु ये अमृतमय कथा जो मैंने शुणती ए जशस्कर आयुष्कर अशेष जन पापहर यही शिव पार्वती कथा ए दक्ष यज्ञ कथा जो मैंने शुणती आयुष वृद्धि हुए जश प्रति प्राप्ति हुए अशेष जन पापहर अनेक जन्मर संचित होता पाप विनष्ट हो जाए जो मैंने भगवान दक्ष प्रजापति ये यज्ञ विध्वंस एवं सतींर देह विनाश एवं पुनर्जन्म कथा जो मैंने श्रवण करती अत्यंत कल्याण हुए। पुनश्च कहते जे नित्य ईश्वर चरित कीर्तन करई पवित्र जी भगवान ईश्वर चरित्र को नीति कीर्तन करे तार समस्त मंगल ही थाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यं संहितायां चतुर्थस्कंदे दक्ष यज्ञ संधानं नाम सप्तमध्याय। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय।